Hello students, today we will study our 7th chapter of book Honeycomb and our chapter name is Fair Play. Has your best friend ever done something you thought was wrong? क्या कभी आपके कोई जो best friend हैं या गहरे दोस्त हैं उन्होंने कुछ ऐसा गलत सोचा है या कभी गलत ऐसा किया है? What did you do then? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर आपने क्या किया? Did you kept quiet or did you tell your friend what you thought? या फिर आपने कभी अपने दोस्त को बताया कि आप क्या सोच रहे हैं या फिर आप उन सब बातों को जानने के बाद भी आप चुपचाप रहे या आपने उसे कुछ बताया कि आप क्या सोच रहे हैं, आपने उसे कुछ बोला हो? Read the story about two friends who had to decide what was more important. और फिर आप ये स्टोरी पढ़िए और उसके बाद इस चैप्टर में जो दो फ्रेंड्स हैं उनके बारे में पढ़िए और जानिए कि क्या इस चैप्टर में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंडशिप एंड एनमाइटी और अ सेंसेस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या फिर इसमें आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि दोस्ती ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या दुश्मनी, या फिर ये अपने दिमाग में ये सोच रखना कि जो सही है और जो गलत है उस चीज़ के बारे में ये जानना या फिर ये सोचना इम्पॉर्टेंट है कि क्या सही है और क्या गलत है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि अगर उन दोनों में से कोई एक गांव से बाहर जाता था तो जो दूसरा रहता था वो उनकी फैमिली की देखभाल करता था। Both were greatly respected in the village. और दोनों जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गांव में उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था और काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद किया जाता था। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। और जुम्मन जो थे उनकी एक बूढ़ी आंटी थी और उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. और फिर उन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग के साथ में ये सोच करके अपनी वो प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी, जो कि वो ये सोची कि ये प्रॉपर्टी मैं उनके नाम पर दूंगी तो वो मेरी देखभाल करेगा और आने वाले जो समय है मैं उनके साथ में अपना वो वक्त बिता लूँगी। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर। और फिर उन्होंने जो सोचा था जैसा अपना माइंड सेट किया था वो वैसा हुआ बट कुछ ही सालों के लिए। देन द सिचुएशन चेंज। और फिर जो सिचुएशंस थी वो चेंज होना शुरू हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर ट्रायड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। और जुम्मन जो थी उनकी फैमिली जो थी वो ओल्ड रिलेटिव जो आंटी थी उनसे काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, मतलब थक चुकी थी, उनके जो भी एक्टिविटी थी या जो भी प्रॉब्लम्स रही हों उससे वो थक चुके थे। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर as his wife who grudged even the little food that the old lady wanted every day. और फिर जुम्मन की जो वाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गई थी और उनकी वाइफ का जो बिहेवियर था वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए चेंज हो चुका था और वो इवन अब उनको थोड़े थोड़े खाने के लिए भी जो है परेशान करती थी और वो जो थोड़ा वो जो खाना डेली खाती थी वो उनके लिए भी वो प्रॉब्लम कर सी स्वेलर्ड दीज इंसल्ट्स अलॉन्ग विद हर फूड्स फॉर अ फ्यू मंथ। और फिर वो जो सारे उनकी इंसल्ट्स होती थी वो अपने खाने के साथ में कुछ महीनों तक उसको निगलती रहीं या उसको घोटती रहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बट पेशेंस हैव इट्स लिमिट। और जो बर्दाश्त करने की क्षमता होती है उसकी भी एक सीमा होती है। तो जो जुम्मन की आंटी थी उन्होंने कुछ डिसाइड किया आगे, और वो क्या डिसाइड किया लेट्स सी।
One day she spoke to Juman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen." फिर एक दिन जो आंटी थी उन्होंने जुम्मन से बात की और बोला कि बेटा ये बात तो तय हो चुकी है या ये बात तो पक्की हो चुकी है कि तुम्हारी फैमिली में अब मुझे कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए अब मुझे एक महीने का कुछ खर्चा दो जिससे कि मैं अपना एक अलग किचन सेपरेट उसको सेट कर सकूं। माय वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। और फिर जुम्मन ने अपनी आंटी से कहा कि मेरी वाइफ जो है वो काफ़ी अच्छे से जानती है घर गृहस्थी को चलाना, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए या थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए। उसने ये बात उनसे काफ़ी मतलब शेमलेसली काफ़ी अपनी नज़रें जो है झुका करके बोली, वो इस चीज़ को बहुत शेम वे में बोला। This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village panchayat. और फिर जैसे ही जुम्मन ने ये बात बोली तो उनकी आंटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो इनका मैटर है, ये केस है, वो इसको गांव के पंचायत तक लेके जाएंगी। For many days the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their supports. और फिर कई दिनों तक जो ओल्ड लेडी थी वो अपनी सारी बातें जो हैं विलेजर्स को सबको बताने लगी, अपनी प्रॉब्लम सबको एक्सप्लेन करने लगी, समझाने लगी, ताकि जो उनके जो गांव वाले थे ताकि वो उनको सपोर्ट करें, और कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस वजह से वो उनका सपोर्ट लेने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को वो उनको बताने लगी। सम सिंपैथाइज विद हर, अदर लाफ्ड एट हर एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू। और फिर कुछ लोग जो थे वो उनके साथ में थे, उनके प्रॉब्लम्स के प्रति उन्होंने सिंपैथी शो की, दैट कि हाँ हम आपके साथ में हैं। कुछ जो थे वो उनके ऊपर हंसी उड़ा रहे थे। एंड फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू एंड सम अदर्स एडवाइस हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। और उनको कुछ लोगों ने ये एडवाइस दिया कि आप अपने जो आपका भतीजा है या आपका जो नेफ्यू है उसकी वाइफ है उसके साथ कुछ ही दिन की बात है या कुछ समय की बात है, आप तो एज हो ही गया है, कुछ समय की बात है, आप उनके साथ में ही निभा लो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। और फिर आखिरी में जब उन्होंने ये सारी बातें गांव वालों से कही, सबसे बताया, कुछ का सपोर्ट मिला, कुछ लोग हंसे और कुछ लोग ने उनके साथ रहने की जब सलाह दी, तो फिर उन्होंने एट लास्ट ये सोचा कि अब मैं अलगू चौधरी के पास चलती हूँ। फिर वो अलगू चौधरी के पास आई और फिर उनसे बात कर रही हैं। यू नो चाची, एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। और जब ओल्ड लेडी ने अलगू चौधरी से बात की तो अलगू चौधरी बोलते हैं कि आप जानती हैं चाची कि जुम्मन जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से। और फिर जो ओल्ड लेडी रहती हैं, जुम्मन की चाची रहती हैं, वो बोलती हैं क्या कि बेटा क्या सही है वो तुम जानते हो, और अपने मुंह को बंद रखना ये तो अच्छी चीज़ नहीं है ना। व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, और क्या तुम सच्चाई नहीं जानते, और जो क्या सही है वो तुम तो जानते ही हो। प्लीड द ओल्ड लेडी कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। और फिर वो अलगू चौधरी के सामने प्लीड करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं कि तुम पंचायत में आओ और मेरे साथ में सच्चाई जो है उसको बोलो। शी सेड अलगू डिड नॉट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर। और जो ओल्ड लेडी थी वो अलगू चौधरी जो थे उनको उनकी बात का कोई जवाब नहीं देते हैं, बट जो उनके वर्ड्स थे वो उनके कानों में गूंजने लगे या उनके कानों में वो बात बार बार रिपीट होने लगी
जो उन्होंने उनसे बोला कि तुम सच्चाई जानते हो, फिर भी क्या तुम चुप रहोगे, तुम सच्चाई नहीं बोलोगे आकर के पंचायत में, चलो मेरे साथ आकर पंचायत में सच्चाई बोलो। तो ये सारी बातें जो थी वो अलगू चौधरी के दिमाग में, कान में ये सारी बातें गूंज रही थी। नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। और फिर जो पंचायत थी उसी दिन शाम में एक बनियन ट्री के नीचे लगी। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ पंचायत इज द वॉइस ऑफ गॉड। और फिर जुम्मन जो है वो खड़ा होता है और बोलता है कि जो पंचायत की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है। जो पंचायत की आवाज़ होती है या पंचायत की जो बात होती है वो भगवान की बात होती है, भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन। और फिर जो जुम्मन रहते हैं वो बोलते हैं कि मेरी आंटी को एक पंच चुनने दीजिए और वो जिसे भी नॉमिनेट करेंगी उसका डिसीजन जो है मेरे लिए एक्सेप्ट होगा, मैं उनका जो भी डिसीजन होगा मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस। और जो पंच होते हैं वो उनका ना कोई दोस्त होता है ना उनका कोई दुश्मन होता है, तो फिर ओल्ड लेडी जो रहती हैं कि अलगू चौधरी अब तुम क्या बोलोगे, उन्होंने अलगू चौधरी को अपना पंच चुना, सारे लोगों में से उन्होंने अलगू चौधरी को अपना पंच चुना और उन्होंने ये चीज़ अनाउंस किया कि अलगू चौधरी अब तुम मेरे केस में क्या बोलोगे। फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग इज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। और जो जुम्मन रहता है वो अपनी खुशी जो रहती है उसको इजहार नहीं कर पाता है और वो जो ये सोचता है कि अब तो जुम्मन अलगू जो है वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरे ही फेवर में मेरा जो डिसीज़न है वो मेरे ही फेवर में आएगा क्योंकि वो तो मेरा फ्रेंड है, अब तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब वो जो उसका पीस ऑफ लक था वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ ये चीज़ को सुन करके जब वो लेडी ने अलगू चौधरी का नाम अनाउंस किया। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने फिर बोला कि चाची आप मेरे और जुम्मन के जो फ्रेंडशिप है उसके बारे में काफ़ी अच्छे से अवगत हैं, आप जानती हैं। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट। आंटी बोलती है हाँ मुझे पता है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्सिक्वेंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। और फिर वो बोलती हैं क्या कि मुझे पता है कि तुम जो अपनी फ्रेंडशिप के खाते जो रियलिटी है जो सच्चाई है तुम उसको नहीं मारोगे और अपने विवेक का इस्तेमाल करके जो डिसीजन होगा जो सच होगा तुम उसी का साथ दोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। और जो भगवान है वो पंचों के दिल में विराजमान है या जो भगवान होते हैं वो पंच होते हैं। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। और जो पंचों की राय होती है, पंचों की जो बात होती है वो भगवान की बात होती है, भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। और फिर ये इतने बातें बोलने के बाद जो ओल्ड लेडी रहती है वो अपना केस जो है एक्सप्लेन करने लगती है। जुम्मन सेड अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। और जुम्मन जो है अलगू जो है वो जुम्मन को बोलता है कि तुम और मैं जो है बहुत पुराने दोस्त हैं, तुम्हारी आंटी जो है वो मेरी आंटी जैसी हैं। नाउ आई एम पंच, अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। एंड देन फिर जो अलगू रहता है वो बोलता है क्या कि अब मैं जो हूँ इस वक्त मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं एक पंच हूँ और मैं इस वक्त तुम्हारे और तुम्हारी आंटी के लिए दोनों के लिए इक्वल हूँ। अब तुम्हारा ये बताओ कि तुम अपने जो केस है उसके बारे में तुम डिफेंस में क्या कहना चाहते हो। 3 years अगो बिगिन जुम्मन, जुम्मन बोलना शुरू करता है कि 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। और फिर 3 साल पहले मैंने अपनी आंटी मेरी आंटी ने मुझे अपनी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र कर दी थी मेरे नाम और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि जब तक वो ज़िंदा रहेंगी मैं उनका ख्याल रखूँगा और उनको सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड,
देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट। और फिर वो बोलते हैं क्या, जुम्मन बोलते हैं क्या कि मैं अपनी तरफ से मैंने सब कुछ कर लिया, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, बट कुछ जो झगड़े हैं वो मेरी वाइफ और इनके बीच में हो गए और मैं उसको रोक नहीं पाया। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी, और जो मेरी आंटी हैं अब वो मुझसे मंथली अलाउंस चाहती हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। और जो जुम्मन है उन्होंने बोला कि मेरी आंटी जो है अब वो मुझसे इस फाइट और इस प्रॉब्लम के बाद में वो मुझसे हर महीने का खर्चा चाहती हैं, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बस मुझे अब इतना ही अपने केस में कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स, देन अलगू अनाउंस्ड। और जुम्मन को फिर जितने पंच थे सब ने क्रॉस एग्जामिन किया और सब ने क्वेश्चन उनसे पूछे। देन अलगू ने फिर अनाउंस किया, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। और अलगू बोलते हैं क्या कि हम लोग जो है मैटर में काफ़ी बहुत डीपली केयरफुली हम लोग इस मैटर को जान चुके हैं, समझ चुके हैं। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज। और फिर अलगू जो रहते हैं वो बोलते हैं क्या कि हम लोग की ओपिनियन, पंच की ओपिनियन के अकॉर्डिंग जुम्मन मस्ट पे हिज आंट जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। और जो जुम्मन रहते हैं, जुम्मन के जो फ्रेंड अलगू रहते हैं वो कहते हैं क्या कि जुम्मन को या तो उनको महीने के खर्चा देना चाहिए, मंथली अलाउंस देना चाहिए, या तो फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनको वापस कर देनी पड़ेगी। Now the two friends were seldom seen together. The bond of friendship between them was broken. In fact, Juman was Algu's enemy and wanted his revenge. और ये जब पंचों की जब राय हो गई, पंचों ने ये डिसाइड कर दिया जुमन या तो अपनी चाची को महीने का खर्चा दे या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनको वापस करें। तो इन दोनों डिसीजन होने के बाद में जो अलगू और जो जुमन थे उनकी फ्रेंडशिप जो थी वो टूट गई और वो दोनों काफ़ी एक साथ बहुत रेयरली देखे जाते थे। वैसे तो पूरे गाँव में उनकी फ्रेंडशिप फेमस थी, उनको हमेशा देखा जाता था, बट इस डिसीज़न के बाद में उनको काफ़ी बहुत रेयरली देखा गया, उनको हमेशा नहीं देखा गया और उनकी जो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप थी वो भी टूट चुकी थी। इनफैक्ट जो जुम्मन था वो अलगू को अपना दुश्मन मानता था और उससे वो रिवेंज लेना चाहता था, मतलब उससे अपना वो बदला लेना चाहता था। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। और जैसे दिन बीतता चला गया और फिर जो बैड लक होता है वो अब जैसे लग रहा है कि अलगू चौधरी के ऊपर वो उसका समय आ गया था कि वो अब अलगू चौधरी को जो बैड लक होता है वो उनकी तरफ आ गया है, उनके दिन अब जो है ख़राब होने वाले हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है उनकी अब शुरू होने वाली है। टाइट स्पॉट मीन्स उनके डिफ़िकल्ट सिचुएशन शुरू होने वाली है। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। और अब जो उनका डिफ़िकल्ट सिचुएशन कैसे शुरू हो गया कि उनके जो बुलक्स पेयर्स थे या जो उनके बैल थे उनमें से एक जो है वो एक बुलक्स जो है उनका एक पेयर में से एक जो बुलक्स था वो मर गया। तो अब एक जो बुलक्स उनके पास बचा उन्होंने एक समझू साहू जो एक कार ड्राइवर थे जो कि गांव के ही थे, गाड़ी चलाते थे, उन्होंने उसको बेच दिया। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक्स इन अ मंथ्स टाइम। और फिर उन दोनों में ऐसा अंडरस्टैंडिंग हो गया या बातचीत हो गई उन दोनों में कि समझू साहू जो है वो बुलक्स के जो पैसे हैं वो कुछ महीनों बाद देंगे, वो तुरंत देने के लिए तैयार नहीं हुए। तो उन दोनों में आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई अलगू में और साहू में, तो वो दोनों अपने अंडरस्टैंडिंग से कि साहू ने कहा मैं कुछ दिन बाद पैसे दूंगा और अलगू भी उस पर अग्री हो गए।
इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाई विद इन अ मंथ। और फिर जैसे ही अलगू ने शाहू को बुलक्स बेचे और वो एक ही महीने के अंदर वो दूसरा वाला भी जो बैल था वो भी एक्सपायर हो गया, वो ख़त्म हो गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ अलगू रिमाइंडेड शाहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड। और फिर कुछ महीनों बाद, बुलक्स के मरने के कुछ महीनों बाद, अलगू ने साहू को पैसे की याद दिलाई कि तुम्हें मुझे जो पैसे चुकाए नहीं हैं तुम्हें वो पैसे मुझे अब देने हैं जो कि तुमने अभी तक मुझे पेड नहीं किए हैं। साहू गॉट वेरी अनॉयड। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द प्रीस्ट पीस यू सोल्ड मी। और जो साहू रहता वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा जो गुस्सा रहता वो गुस्से में आ जाता है ये सारी बातें उसके सुनने के बाद। फिर वो बोलता है क्या, मैं तुमको उसका एक पैसा भी नहीं दूंगा और तुमने जो मुझे जानवर, मनहूस जानवर मुझे बेचा था वो मुझे एक रुपए भी उसने मुझे कमा करके तो दिया नहीं बल्कि और उसने मुझे बर्बाद कर दिया। आई हैव अ बुलॉक्स यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। और फिर साहू बोलते हैं क्या कि मेरे पास एक बुलक्स है उसको ले जाओ एक महीने के लिए यूज़ करो उससे बेनिफिट कमाओ और मुझे फिर वो वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक्स ही सेड एंग्रीली। और फिर साहू ने बोला कि मरे हुए बुलक्स के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं और उसने ये बात बहुत गुस्से में बोली। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स। प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। और फिर अलगू ने डिसाइड किया कि वो अपना केस जो है वो पंचायत के पास लेके जाएगा। और फिर कुछ महीनों बाद जो पंचायत की जो प्रिपरेशन होती है वो तैयारी होने लगी। और वो कुछ महीनों बाद जैसे लास्ट टाइम हुआ था पंचायत प्रिपेयर हुई थी वैसे ही कुछ महीने बाद फिर ये पंचायत प्रिपेयर होने लगी इनके केस को डील करने के लिए। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और फिर दोनों जो पार्टीज थी वो लोगों से मिलने लगे उनका सपोर्ट पाने के लिए। तो वो दोनों लोग गांव में अपने अपने मैटर्स को लेकर के लोगों से मिलने लगे, लोगों से बातें करने लगे। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। अब जो पंचायत लगी और पंचायत में फिर जो पंचायत थी वो उसी ओल्ड बनियन ट्री के नीचे लगी। अलगू खड़ा हुआ और उसने बोला जो पंचों की आवाज़ है वो ही भगवान की आवाज़ है, जो पंचों की आवाज़ है वो ही भगवान की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। देन अब अलगू ने बोला कि अब साहू को ही कोई पंच नॉमिनेट करने दीजिए या उसको नाम लेने दीजिए, उसका जो डिसीजन होगा वही मुझे मानने होगा। साहू saw his chance and proposed the name of Juman. Algu's heart sank and he turned pale, but what could he do? और फिर जैसे ही साहू का नाम proposed हुआ और जो अलगू का heart था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उदास हो गया और उसका जो चेहरा था वो एकदम से पीला पड़ गया, उसका जो heart था वो एकदम से पीला पड़ गया और फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। The moment Juman became head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. और फिर जैसे ही जुमन का नाम head punch के लिए नाम हुआ वो बना और फिर उसने तुरंत ही अपनी responsibility को realize किया कि वो एक अपनी जो dignity है, जो punch की जो एक responsibility है और इसका जो ओहदा है, उसने उस चीज़ को तुरंत ही realize कर लिया कि ये जो पद है पंच का ये कितना बड़ा पद है और एक इस उपलब्धि को मैं कितने सही तरीके से यूज़ करूँ। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस। और फिर जैसे ही वो उस हाई प्लेस पर उसने बैठा और फिर वो सोचता हैव हिज रिवेंज नाउ। और फिर वो सोचता है क्या मैं अपना रिवेंज लूँ उससे। ही थॉट एंड थॉट। फिर वो सोचने लगा नो ही मस्ट नॉट। और फिर वो बोलता है क्या नहीं उसको जो है रिवेंज नहीं लेना है।
allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. और फिर वो बोलता है, सोचता है क्या कि नहीं, सोचते सोचते फिर वो ये सोचता है कि नहीं, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को साइड में रख के, अपनी पर्सनल चीज़ों को साइड में रख करके, जो भी ट्रुथ है, जो भी सही है, जो भी जस्टिस है, जो भी न्याय है, उसको वही करना चाहिए. बिकॉज एक पंच जो है वो एक बहुत बड़ी डिग्निटी है, एक बहुत बड़ा ओहदा है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि उसको मिली है. तो उसको ये सारी चीज़ें साइड रख करके उसको अपनी ड्यूटी और अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखते हुए उसको अपना वो काम करना चाहिए. बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केस. दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली. और बोथ अलगू और जो साहू थे, दोनों के केस को सुना गया और दोनों को क्रॉस एग्जामिन किया गया. दोनों से काफ़ी ज़्यादा पूछताछ की गई और उन लोगों के केस के बारे में काफ़ी ज़्यादा डीपली नॉलेज ली गई. देन जुमन स्टूड अप एंड अनाउंस. फिर जुमन जो है वो खड़े होते हैं और वो अनाउंस करते हैं, बोलते हैं, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ पुलअप. और फिर वो अनाउंस करते हैं क्या कि ये हमारे पंचों की ये राय है, हमारा ओपिनियन है कि जो साहू है उसको अलगू के बैल के पैसे उसको दे देने चाहिए. व्हेन साहू बॉट द बुलक्स इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़. और फिर वो बोलते हैं क्या कि जब साहू ने उस बुलक्स को ख़रीदा था तब वो ना ही किसी डिसेबिलिटी से गुजरा, या फिर उसके अंदर कोई ना ही कोई डिसेबिलिटी थी, ना ही उसके अंदर कोई बीमारी थी, इसलिए उसमें अलगू की कोई गलती नहीं है. द डेथ ऑफ द बुलक्स वॉज अनफॉर्चुनेट. और जो बुलक्स की जो मौत हुई थी वो दुर्भाग्यपूर्ण वश हुई थी, उसमें अलगू की कोई भी गलती नहीं थी. एंड द बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट. अलगू उस चीज़ के लिए ब्लेम्ड नहीं किया जा सकता. अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग. ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन. और फिर अलगू जो था वो अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सका, उसको वो दबा नहीं सका और उसने तुरंत ही वो खड़ा हुआ और उसने खूब जोर जोर से बोला. बार बार वो बोलता गया, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच. और फिर वो बोलता है पंचायत